अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। CST यूटिलिटी स्टोर है, बहुत अच्छा सुपर मार्केट है। अच्छा, यहाँ से जो हम गुजर रहे हैं पूरा जिन्ना हॉस्पिटल का एरिया है। जो कराची का ब्लॉग देखना चाहते हैं, जो जिन्ना हॉस्पिटल देखना चाहते हैं, तो एक तरह से स्टार्ट में तो जिन्ना हॉस्पिटल का ब्लॉग हो गया पूरा। तो ये पूरा जो जिन्ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ये आगे यहाँ से इसका गेट है, मेन बिल्डिंग है, अंदर सारे वार्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा, अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ऑटो में ब्लॉगिंग करने का मज़ा थोड़ा अलग है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं CST, ये सुपरमार्केट है। तो यहाँ से हम करने वाले हैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग। अब यहाँ ट्रॉली उठाने से पहले देखना पड़ता है कि हमारी ट्रॉली टूटी हुई तो नहीं है। तो यहाँ हमने अपनी ट्रॉली ले ली है सही सी, ताकि जब हम अपनी शॉपिंग करें, जो भी सामान रखे, वो हम कंफर्टेबली इसको मूव कर सकें। तो अब हम इसकी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। अब अंदर इंटर होने से पहले हाथ को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब सैनिटाइज थोड़ा सस्ता काम किया है इन्होंने, डिटॉल लें, पतीला भर के पानी डालें और पूरे ख़ानदान का सैनिटाइज़र तैयार। इंटर होते के साथ यहाँ पूरा बहुत ही ज़बरदस्त कॉस्मेटिक का पोर्शन था। अब यहाँ पूरी यहाँ सोप हैं सारे। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि सोप हमने कौन सा लेना है। देखते हैं हम सारे और आखिरी हम लेते क्या हैं। हमारा फेवरेट लक्स वाइट, बहुत ही मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे सूट भी करता है। अब इसके इतने सारे खुशबू, इतने सारे कलर्स में हैं। अब आपका फेवरेट लक्स कौन सा है आप कमेंट में बता सकते हैं। वाइट वाला है, रोज़ है, और क्या है, पर्पल लिली वाला आई थिंक, और ग्रीन, और नीचे भी कुछ पड़े हुए थे वेलवेट, कुछ पता नहीं क्या। तो खैर, ये सारे सोप हैं और यहाँ है कॉस्मेटिक। अच्छा, अब ये कि जो कॉस्मेटिक जो है ना, ओरिजिनल आउटलेट है, ओरिजिनल है यहाँ पे ना। तो ये फिटमी का है, फिटमी के वैसे ही यहाँ 30% ऑफ चल रहा है इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। परफ्यूम कलेक्शन इनकी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, सारे परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हेयर केयर, इन हेयर कलर्स और हेयर जितनी प्रोडक्ट्स थे सारे थे। तो अब यहाँ अपनी शॉपिंग हम स्टार्ट करते हैं। सोप हमने ले लिए लक्स वाइट। चलें जी, यही रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग तो लग रही है, तो हम हार पे कर रही है क्या, और टॉयलेट क्लीनर देख रहे हैं, फिर आ रहे हैं हम कपड़ों के साइड पे। अब जब शॉपिंग पे बंदा आएगा, किसी भी चीज़ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी आए, तो कपड़े लड़कियों के लिए मैंडेटरी हैं, वो देखते ज़रूर हैं हम। यहाँ टी शर्ट्स भी हैं लड़कों की, बच्चों के कपड़े भी हैं सारे, इनके फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये बच्चा बड़ा क्यूट है भाई। चलें जी, अब यहाँ पे हमने लेने हैं मसाले जात। ये सारे मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पिसा धनिया, काली मिर्च, और कौन सा मसाला रह गया, हल्दी रह गई, हाँ हल्दी, और ये सारे मसाले यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो जो हमें चाहिए वो सारे मसाले हम यहाँ से ले लेंगे। तो मसाले के पैकेट्स रख रहे हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट जो है वो तो आयोडीन सॉल्ट लेते हैं आई थिंक हम, हाँ तो वो होगा साथ में। बाकी जितने मसाले हैं वो मेरी मॉम जो हैं वो देख रही हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना अच्छा पैकेट बना हुआ है, बेसन या मैदा, बेसन के ऊपर पहले ही इन्होंने पकौड़े बना दिए, ताकि जो बेसन खरीदे उसको पहले ही पता हो कि उसके से पकौड़े ही बनाने, और इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते क्या हम। हाँ, ये रहा आयोडीन सॉल्ट जो है। अच्छा, अब यहाँ इमली, इमली से बनेगी मज़ेदार चटनी। इमली ले लिए, धनिया है, साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, और सारे मसाले यहाँ पर मौजूद हैं। चलें, ट्रॉली पर रख लिया अपना सामान, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है सारी खजूर। अच्छा, ब्रांडेड खजूर पैकेट्स की भी हैं, और सिंपल जो लोकल खजूर होती हैं वो भी हैं यहाँ पर। अब इस कॉर्नर पे सारे फूड कलर्स, एसेंस, वनीला एसेंस और आलमंड एसेंस, ज़ैफ़रान एसेंस, साथ में यहाँ चाट मसाला मौजूद है। चाट मसाला तो बहुत मैंडेटरी है रमज़ान के लिए। सारे जो वो हैं चाट मसाला, फ्राइज़ मसाला, सारी चीज़ें मौजूद है, एसेंस मौजूद है सारे। अब हम यहाँ चलते हैं, ये क्या है, डेजर्ट पोर्शन है यहाँ पे। अच्छा, बेकिंग करने वाली जैसे मैं हो गई,
बेकिंग करने वाले लोगों के लिए कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर ही उठाते हैं, तो बेकिंग पाउडर है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर कैंडी लैंड का जो क्रिएशन, हाँ चॉकलेट क्रिएशन, इसके बहुत ज़्यादा डेजर्ट वगैरह बनते हैं। और यहाँ मेरी मम्मा क्या देख रही हैं, मम्मा शायद वनीला एसेंस ढूंढ रही हैं, वनीला एसेंस ढूंढ रही हैं। अब ये पूरा किनोर का पोर्शन था, किनोर चिकन क्यूब, किनोर खाओ बोरियत भगाओ। आज तक हमारी बोरियत भागी नहीं है क्योंकि हमारा एक पैकेट से पेट ही नहीं भरता, तो बोरियत कैसे भागेगी। खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ। अच्छा ये बहुत ज़रूरी पोर्शन है, यहाँ पर कैचअप नहीं होगी तो हमसे पकौड़े सैंडविच सारी चीज़ें नहीं खाई जाएंगी। तो कैचअप, अब हमने डिसाइड करना है हमें कैचअप कौन सी ब्रांड, कौन सी कंपनी की लेनी है। यहाँ पर बड़ी देर लगाई थी हमने, इतने में मैं कन्फ्यूज़ है, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और एक बार फिर कैचअप की साइड पे आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से सोचा भाई कौन सी लेनी है, लेकिन सोच लिया कौन सी नहीं, फिर भी देखेंगे सारी दोबारा से। तो यहाँ पे हैं सारे कस्टर्ड, चलें जी अब फाइनल हो गया है कि हमने कौन सी लेनी है, लेनी हमने कौन सी है, नेशनल की लेनी है। हाथों में हमने यहाँ पर किनोर पकड़ी हुई है, तो नेशनल जो है अब उसकी चिली गार्लिक सॉस बहुत मज़े की होती है, चिली गार्लिक सॉस नेशनल की। तो एक हम यहाँ ये ले रहे हैं चिली गार्लिक सॉस, और एक सिंपल कैचअप भी ले लेते हैं। तो ये हाँ नेशनल की सिंपल कैचअप और एक चिली गार्लिक सॉस। तो ये डिसाइड हो गया फाइनली कि हमने ये दो लेनी है। चलें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैचअप फाइनल कर ली हमने। सबका फेवरेट कॉर्नर ये, यहाँ पर आपको आपकी फेवरेट सारे स्नैक्स मिल जाएंगे। और मेरी तरह जो स्नैक्स का लवर होता है वो तो धड़ाधड़ बड़े पैकेट उठा के रख देता है बगैर प्राइस देखे। तो यहाँ मेरे भाई भी फिर वो कुछ यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ अभी मेरी बहन डिसाइड करी इन्होंने कौन सा फ्लेवर के लेज लेनी है। चले हमने तो नहीं लेनी, हम ज़रा थोड़े डाइटिंग पे हैं ही। तो यहाँ स्वीट्स हैं, सारी चॉकलेट्स हैं इस साइड पर। अभी भी ये लोग अपने जब से साइड कर रहे हैं, मतलब एक से पेट नहीं भरेगा, दो तीन चार पांच पैकेट एक साथ लेंगे जैसे मैं लिया करती थी। मेरी फेवरेट जो है लेज में फ्रेंच चीज़ फ्लेवर है। अच्छा यहाँ पर अपना ऑयल अपने अब मुद्दे की चीज़ पे आते हैं। रमज़ान में ग्रोसरी शॉपिंग है, हमने सारी लेज जूस चॉकलेट्स बिस्किट तो ले लिए, अब ऑयल भी ले लेते हैं। ऑयल कौन सा? तो ऑयल यहाँ पर सारे ऑयल हैं, सबके रेट्स नीचे मेंशन हैं, सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और लेकिन हमने तो वही लेना है जो हमने लेना है। फाइनली हमने नास ले लिया है, ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, हमें अच्छा लगता है ये नास ऑयल। चलें अब चलते हैं। अब यहाँ शायद मम्मा ईद की भी शॉपिंग कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। मम्मा तो कलर वाली सवैयाँ ले रही हैं। तो ये हैं कलर वाली वेमर्सलीस, कलर वाली सवैयाँ। रमज़ान में भी डेजर्ट बनाते हैं, मज़ा आता है क्योंकि सहरी, क्योंकि हाँ अफ्तारी के बाद जो है वो दिल नहीं करता खाना खाने का, अफ्तारी पे आप हैवी हो जाते, लेकिन आप हल्का फुल्का कुछ स्वीट खा लो तो अच्छा लगता है। यहाँ है बिरयानी मैकरोनी, भाई बिरयानी खा लो सिंपल बना के, बिरयानी मैकरोनी फजूल में खानी है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर सारे सीरियल्स हैं, और सीरियल्स उन लोगों के लिए जो डाइटिंग करते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं दूर से। अच्छा यहाँ ये सारे ये पापड़ हैं, फ्राई पापड़, सारी चीज़ें सवैयाँ, कलर वाली सवैयाँ, दूसरी शिरखुरमा वाली, ब्राउन वर्मर्सलीज भी यहाँ पे। चलें जी अब यहाँ हो रहा है मुकाबला, ये है जामशीरी वर्सेस रूअफ़ज़ा। चलो ये तो सबसे सबसे मेन और मैंडेटरी चीज़ है रमज़ान के लिए, क्योंकि जब तक इसे खुशबू नहीं आती ना, लगता नहीं कि अफ्तारी का टेबल अफ्तारी का है। क्योंकि जब तक, क्योंकि हर घर में लाजमी लाजमी रेड शरबत बनता है, अब चाहे रूह अफ़ज़ा हो, जामशीरी हो, नौरस हो, जो भी हो।
जिससे खुशबू से फीलिंग आती है कि हाँ रमज़ान स्टार्ट हो गए। तो ये पूरे यहाँ पर जो है शरबत का पोर्शन है, शरबत में हम ज़्यादातर मतलब रेड होता है, हाँ रेड होता है ग्रीन, अब ग्रीन मैं आपको नाम बताऊँ, ग्रीन में कौन सा होता है, क्विस और रू ऑफ द जामशीन और सीस होता है, और फिर हमारा फेवरेट जो हम बच्चों का फेवरेट, मेरा पर्सनली फेवरेट टैंग है, मुझे टैंग के अलावा और कोई शरबत बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जब घर में रेड शरबत बनता है तो मैं अपने लिए पर्सनली अलग शरबत बनाती हूँ टैंग। तो ये हमने चारों फ्लेवर्स ले लिए हैं। चलो जी यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं, अपने जूस और कोल्ड ड्रिंक जल्दी ले रख रहे हैं। ये सब फ्रोजन फूड्स ये रमज़ान में ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं अपनी। अच्छा ये सारा जूस पोर्शन है, ये फ्रिज का पोर्शन है सारा, ये कोल्ड ड्रिंक जूस का पोर्शन है। अब हम कोल्ड ड्रिंक जूस की तरफ जाएंगे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या ये रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग है, क्योंकि यहाँ पर बाकी चीज़ों से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कि हम पापड़ ले लें, लेस ले लें, कुरकुरे ले लें, चॉकलेट ले लें, जूस ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें। जी जी छोटा सा तो आपको गुजारा नहीं हो रहा, आप बड़े वाली डेयरी में उठा लें। तो यहाँ है चेडर चीज़ और जो बटर होता है सी पोर्शन फ्रिज का, ये सारा है फ्लेवर मिल्क कोल्ड ड्रिंक। चलो मैं भी जूस ले ही लेती हूँ, मैंने क्योंकि कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ जूस ले लेती हूँ। और चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है वुड के आई थिंक नहीं डेकोरेशन पीसेस सारे वुड के भी हैं, सिंपल डेकोरेशन पीसेस हैं सारे इस तरफ। ज्वेलरी कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, और ये शोपीस वगैरह, फ्लावर पॉट्स, कॉस्मेटिक साइड पे सारे हेयर कलर्स, हेयर डाई कलर सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। यानी एक प्रॉपर सुपरमार्केट, प्रॉपर ग्रोसरी शॉप, टोटल चीज़ों की प्रॉपर शॉप है ये सुपरमार्केट सीएसडी। इसके एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। अब जब आप किसी ग्रोसरी शॉप पर आएँ, सुपर मार्केट में आएँ और आपकी मम्मा बर्तनों की साइड पर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ लेना हो या ना लेना हो लेकिन इस साइड पर आना लाजमी है। ये मुझे बहुत ही प्यारे मोल्ड्स नज़र आए, केक के मोल्ड्स, कुछ भी आप इसमें फ्रीज कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। ये मार्बल केक का जो है सांचा है, मोल्ड है, और ये जो बियर शेप का केक बनाना हो या बाकी सारे, बहुत ही प्रॉपर यहाँ पर बेकिंग का सारा सामान है। ये कप केक के पेपर्स वो कहते हैं कहाँ से मिलते हैं, तो सीएसडी पर भी अवेलेबल हैं ये। बहुत ही सारे बेकिंग की सारी चीज़ें, सारे बर्तन बहुत अच्छे हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं एड्रेस पूरा दे दूँगी, लेकिन ये काला पुल की साइड पर है ये सीएसडी ग्रोसरी शॉप। टोटल यहाँ पर हमारे किचन के जो सारा सामान होता है वो भी मौजूद है सारा। तो यहाँ पर अब मम्मा ने सोचा चलो बॉटल्स ख़रीदते हैं घर के लिए, फ्रिज के लिए जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो। अब जब मम्मा इतना टाइम लगाएंगी बॉटल का कलर सेलेक्ट करने में और डिज़ाइन सेलेक्ट करने में, तो तब तक हम मिरर में ज़रा थोड़े पोज मार लेते हैं। फाइनली मम्मा ने दो बॉटल्स ले ली हैं, अब हम इनको अपनी ट्रॉली में रख के अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हैं सनग्लासेस, और इनको शौक आया था कि सनग्लासेस मैं इनके ट्राई करें, कर लो भाई कर लो ट्राई। और ये सिर्फ वीडियो में आने के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्लासेस पकड़े, पहनना वहना या लेना बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जो कुर्तीज वगैरह हैं वो हैं सारी। अब जब हम यहाँ पे आएंगे कोई भी शॉपिंग के लिए, तो क्या हम लड़कियाँ कपड़े नहीं देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा अब ये है कि मुझे स्ट्रॉलर लेना था, तो स्ट्रॉलर की इन्होंने वैरायटी दिखाई, लेकिन मुझे जिस तरह का चाहिए उस तरह का स्ट्रॉलर नहीं था। अब मैंने जो न्यू कोट ली है उसका कलर और इस जो मेरे हाथ में जहाँ पे उसका कलर ऑलमोस्ट सेम है, तो ये है कि लेकिन
मैंने नहीं लिया क्योंकि कंट्रास्ट में चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम हो जाता। खैर अब मम्मा जो है ना बस बर्तनों की दीवानी, तो मम्मा अब दूसरी साइड पर बर्तन जहाँ पे बर्तन है वहाँ पे आ चुकी हैं। एक बर्तन वाली साइड को छोड़ के अब मम्मा दूसरी बर्तन वाली साइड पे आ गई हैं। पता नहीं मम्मा ने लेना क्या है, मुझे नहीं लगता मम्मा कुछ लेंगी, बस मम्मा वैसे ही बर्तन देख रही हैं। और वैसे भी रमज़ान में इन प्लास्टिक के बर्तनों की काफ़ी यूज़ होता है, जैसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं, आपको सालन कुछ भी स्टोर करना हो, इस टाइप के बर्तन सारे यूज़ होते हैं काफ़ी रमज़ान में। चले जी, यहाँ पर सारे जो दालें वगैरह हैं वो सारी दालें यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमारा सबसे डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, दैट इज फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट फेस वॉश फॉर आवर स्किन। तो देखें यहाँ पर फेस वॉश डिसाइड हो रहा है। और मेरी बहन ने 3-4 किस्म के फेस वॉशेस हाथों में लिए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इसमें से कौन सा लें। मतलब लेना सैयद गनी का ये, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा फ्लेवर लें। फ्लेवर कहेंगे नहीं, नहीं फ्लेवर नहीं। अच्छा तो यहाँ पर लेमन है, एलोवेरा है, रोज़ है और गोट मिल्क है। तो यहाँ पे सैयद गनी का रोज़ फेस वॉश डिसाइड हो गया है, लेकिन यही रोज़ फेस वॉश कुछ देर बाद लेमन फेस वॉश में तब्दील हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। एप्लीकेशन सारी मेंशन है इसके ऊपर। अच्छा तो वीडियो बनाते हुए उन्होंने मुझे 10 दफ़ा टोका कि मैडम वीडियो अलाउ नहीं। मैंने कहा आपकी पब्लिसिटी होगी, उन्होंने कहा कैरी ऑन मैडम, बनाए बनाए, कैसे लोग होते हैं। खैर तो अब यहाँ पर मायनीज़ की बारी, कैचअप ले चुके हैं मायनीज़ सेंगे। मायनीज़ यहाँ पर किसकी, यंग्स की। यंग्स ने अपना जो है कार्ड साथ में फ्री रेसिपीज का कार्ड जो है वो अटैच किया हुआ है, रमज़ान की स्पेशल रेसिपीज़ का कार्ड। रेसिपीज़ में होगा ये कि हर रेसिपी जो है उसको खाने से पहले आप मायनीज़ लगा के खाएँ, लॉल। तो यहाँ सारे मसाले हैं, शान के नेशनल वगैरह सारे मसाले वगैरह हैं। और तो मम्मा यहाँ पर देखनी कि उन्होंने कौन सा मसाला लेना है। तो चाट मसाला लेना आई थिंक मम्मा ने यहाँ से, और जैम भी लेना है। जैम, अच्छा जैम जो है वो हमारे बहन भाई हम सबका फेवरेट जो है मैंगो जैम है। तो यहाँ हमने चाट मसाला ले लिया है और फिर जैम जो है वो मैंगो ही लेंगे। चलें आगे चलते हैं। और यहाँ छोटे भाई ने ज़बरदस्ती दूध से शरबत लिया है कि मैं जब रमज़ान में पकौड़े और तली हुई चीज़ें खाऊंगा तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए मम्मा दूध से आकर शरबत ले लें। खैर यहाँ पर है फेयर एंड लवली और ये वो वाहिद क्रीम है जो हर किसी घर में अवेलेबल होती है। तो चलते हैं अब सर्फ क्या करना है, हाँ पॉलिश लेनी है। अब जो भी व्लॉग देखे हुए सोचेगा कि क्या ये रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग है, पता नहीं भाई। अब तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है क्या है। तो यहाँ पॉलिश लेंगे, पॉलिश कौन सी ब्रांड की है, चेरी ब्लॉसम ही फेमस है और कीवी भी फेमस है। तो यहाँ पे ब्रश भी चाहिए था हमें पॉलिश का नया, तो वो भी हम ले लेंगे। 50% ऑफ चल रहा है चेरी ब्लॉसम पे। अच्छा जी, तो हमने सोचा चलो हम तो कुछ स्नैप्स बना लें, क्योंकि हमारे मतलब की तो कोई चीज़ खरीदी नहीं जा रही यहाँ पर। सैनिटाइज़र वगैरह हैं इतने महंगे, इससे अच्छा आप सिंपल ये लें कि डिटॉल पानी मिलाएं, अपने पूरे ख़ानदान के लिए आप सैनिटाइज़र तैयार करें। अच्छा ये साइड पे जो है ये टॉय शॉप है। मैंने अपनी पूरे बचपन अपनी ज़िंदगी में कभी टॉय के साथ डॉल्स का इस तरह खेला नहीं है कभी। तो यहाँ पर जो पूरा पार्टी का सामान जैसे बर्थडे पार्टीज और सब सारा सामान मौजूद है। चलें जी बहुत हो गया, कुछ हमने ख़ास नहीं लिया, क्योंकि हमने सिर्फ क्या लिया है जो मेन चीज़ से मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि हमने चिप्स के पैकेट लिए हैं, हमने जूस लिए, हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, हमने चॉकलेट लिया, हमने बिस्किट लिए हैं, बस। क्या ये रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग है मुझे खुद नहीं पता। तो अब हम जा रहे हैं बिल के लिए काउंटर पे। काउंटर से पहले याद आया कि शैम्पू भी लेना था। ये डव ग्रीन बहुत अच्छा है, मैं यही यूज़ करती हूँ, डव ग्रीन बहुत ही अच्छा है। और दूसरा जो अच्छा है वो लाइफबॉय ग्रीन है, लाइफबॉय ग्रीन बेस्ट है, उसके बाद फिर डव ग्रीन। ये सारे शैम्पूस हैं यहाँ पे, टूथब्रशेस, टूथपेस्ट। तो अब हम यहाँ काउंटर के साइड पे आ गए हैं ताकि हम अपना बिल बनवाएं, सामान पैक करवाएं और घर जाएं सुकून से। तो यहाँ ये सारी चीज़ें, व्लॉग देखने वाले सबसे पहले हंसेंगे क्या ग्रोसरी शॉपिंग रमज़ान की क्या नज़र आ रहा है, सनलाइट का वॉशिंग पाउडर, सोप, हार्पिक। नहीं, अब मैं फोकस करूँगी केचप मायनीज़ के ऊपर जो कि ज़रूरी चीज़ है रमज़ान के लिए। और दूसरी ये इस साइड पर, बस ये बच्चों की चीज़ें, लेस,
ज़्यादा ही नज़र आएंगे, लेज, जूस वगैरह, ETC। तो हम यहाँ पर अपने बिल बनवा रहे हैं जी। तो जैम जैम एप्पल जैम लिया है मेरे साथ। तो यहाँ हमारा बन रहा है बिल। बैग गया तुम्हारा? मम्मा का है। जल्दी से आइसक्रीम ले आते, जल्दी ले फिर। और छोटे भाई भूल गए थे कि उन्होंने आइसक्रीम लेनी है, और फिर उनको जब एकदम से याद आया तो उन्होंने जाते के साथ यहाँ का फ्रिज फौरन से खोल लिया, वॉल्स का फ्रिज खोला है। और गर्मी में ये इतनी सारी आइसक्रीम देख देख करते हैं बंदा सारी खा ले, लेकिन हम नहीं खा सकता। खैर, तो या हमने लिए हैं क्या लिए हैं ये, हाँ आइसक्रीम कप्स लिए हैं। तो हमने वॉल्स के आइसक्रीम कप ले लिए हैं। ओके जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं, हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है। और ये पूरी शॉपिंग नहीं है, हाफ से भी हाफ ही है, बल्कि रमज़ान की तो इसमें मुश्किल से थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने जो एग्जिट पर इनको अपनी वो बिल दिखा दिया ताकि हमें बाहर आराम से सकून से जाने दें, इनको तो भरोसा भी नहीं होता, इतने कैमरे लगाए होते हैं फिर भी इनको भरोसा नहीं होता लोगों पर। तो यहाँ से अब मेरी हमेशा से आदत है स्टेयर से नहीं चलेंगे हम, जो स्लोप आएगा उससे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं घर। तो घर जाने से पहले सोचा बाहर का ज़रा CST की बिल्डिंग का थोड़ा सा बाहर से बना लिया जाए स्नैप। यहाँ पर सारे फ्लावर्स भी बाहर अच्छे हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये नेवी की है, ये नेवी का जो है CST, पूरे एरिया भी नेवी का, और ये जो ग्रोसरी शॉप है इनकी नेवी की है। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, होप यू एंजॉय माय व्लॉग, एंड इफ यू कैन सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव इज़।